उन्हें दिन भर के लिए दिए गए कामों पर पूरा उतारना है। जी बेहतर है। आओ काम पर लग जाए। कुछ सुना तुमने? सब ये कहते हैं कि फिराउन मेरे भाई को गोशेन का जिम्मेदार बनाने वाला है। आखिर क्यों नहीं, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है। मेरे भाई ने तमाम मुहाफिजों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें अपने कूड़े फेंक कर खुद काम पर लग जाना होगा। उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा कि मेरा भाई मूसा करता है। यह अपने आप में एक इंसाफ है। वक्त आ गया है कि गोशेन के आवाम की तकलीफों को महसूस किया जाए और उनसे तबादले खिदमत की जाए। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरा मानना है वो शायद हमारे सभी लोगों के लिए उम्मीद का वायस हो। हाँ, पर तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो दुश्मन भी इकट्ठा कर रहा है। मूसा, एक अदना सी चीज, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो दरिया में तैरती किसी टोकरी में पड़ा था, और अब देखो कि वो क्या बन गया है। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। अब्बा जान, पता है आपको, वो तो इब्रानी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता। वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा मिस्री है, और फिराउन का गोद लिया बेटा भी। इसके बावजूद वो इब्रानी भी है और हमारा बेटा भी। क्या ये मर गया? हाँ, ये मर गया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंटें इस पर लाद दी थी। कहाँ है वो? वो रफाए हाजत के लिए गया है। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। मेरे किसी आदमी को कोड़े से मारने की कोशिश न करना, समझे तुम? मूसा, तुम मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। ये मत समझो कि तुम इन गुलामों से ऊंचे हो। मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। तो मर गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। किसी आदमी को कत्ल करके कैसा महसूस हुआ? आपने इस बारे में हमें बताया ही नहीं। जब मुझे अपनी नाकाबिल तलाफी गलती का एहसास हुआ, मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में रोता रहा और मेरी रूह इस एहसास गुनाह में मुब्तला रही। क्या आपको अपने किए पर अब भी शर्मिंदगी होती है? एक मिस्री के पीटने से एक बूढ़ा मर गया। काश कत्ल करने के सिवा कोई और रास्ता होता। हो सकता है कि वो वाक्य हमारी बेहतरी के लिए हुआ हो। कत्ल में कोई बेहतरी नहीं होती बेटे। फिर उसके बाद फिराउन ने क्या किया? उसने चारों तरफ अपने सिपाही दौड़ा दिए। उसे मेरा सर चाहिए था। मूसा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह वो लोग हम तक पहुँच जाएंगे। बस कर मरियम। मूसा, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें जाना होगा मूसा। तुम्हारे साथ हम सब यहाँ खतरे में हैं। पूरा महल दीवाना वार उस कातिल की तलाश में है जिसने उस मिस्री का कत्ल किया। फिराउन तुम्हारा सर चाहता है। आज मुझसे गुनाह हो गया है। मैंने एक इंसान को मार डाला। मूसा, तुम्हें फौरन मिस्र छोड़कर चले जाना चाहिए, और तुम मेरे बेटे के जाने का इंतजाम करो। तुम्हें अब जाना चाहिए मेरे बेटे। मुझे अफसोस है कि मैंने आप सबको खतरे में डाल दिया। हाँ मूसा, तुमने हमें सख्त खतरनाक हालात में ला खड़ा किया है। मैं बेहद माफी चाहता हूँ। वो एक बूढ़े मजदूर की पिटाई कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
तुम इससे क्या चाहती हो मरियम? इसकी सख्त मिजाजी ने ही इसे ऐसे हालात में ढकेला है। तो क्या? मेरे करीब आओ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह का साया तुम पर कायम रहे। चलो हटो, पहले हमें पानी भरने दो। आओ सफूरा, हम इनको बाद में पानी देंगे। क्यों तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हो? चले जाओ यहाँ से। सफूरा, तुम मुझसे हाँ कब कहोगी? कभी नहीं कहूंगी। तुम कभी मुझसे ये नहीं सुन सकते ईश। सफूरा, इस दुनिया में मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हें पाल सकता है। तुम इसे पालना कहते हो? यहाँ से चले जाओ। छोड़ दो उसे, उसका रास्ता छोड़ दो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ खेल रहा था। वो जानती है कि मैं सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। दफा हो जाओ। उसे देखा तुमने? वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था। वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफूरा, तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत व तवाना, मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें।
तो मर गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। किसी आदमी को कत्ल करके कैसा महसूस हुआ? आपने इस बारे में हमें बताया ही नहीं। जब मुझे अपनी नाकाबिले तलाफी गलती का एहसास हुआ, मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में रोता रहा और मेरी रूह इस एहसास से गुनाह में मुब्तला रही। क्या आपको अपने किए पर अब भी शर्मिंदगी होती है? एक मिस्री के पीटने से एक बूढ़ा मर गया। काश कत्ल करने के सिवा कोई और रास्ता होता। हो सकता है कि वो वाकई हमारी बेहतरी के लिए हुआ हो। कत्ल में कोई बेहतरी नहीं होती बेटे, तभी लोगों के लिए उम्मीद का वायस हो। हाँ, पर तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो दुश्मन भी इकट्ठा कर रहा है। मूसा, एक अदना सी चीज, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो दरिया में तैरती किसी टोकरी में पड़ा था, और अब देखो कि वो क्या बन गया है। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। अब्बा जान, पता है आपको, वो तो इब्रानी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता। वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा मिस्री है और फिराउन का गोद लिया बेटा भी। इसके बावजूद वो इब्रानी भी है और हमारा बेटा भी। क्या ये मर गया? हाँ, ये मर गया। कुछ सुना तुमने? सब ये कहते हैं कि फिराउन मेरे भाई को गोशिन का जिम्मेदार बनाने वाला है। आखिर क्यों नहीं, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है। मेरे भाई ने तमाम मुहाफिजों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें अपने कोड़े फेंक कर खुद काम पर लग जाना होगा। उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा कि मेरा भाई मूसा करता है। यह अपने आप में एक इंसाफ है। वक्त आ गया है कि गोशिन के आवाम की तकलीफों को महसूस किया जाए और उनसे तबादले खिदमत की जाए। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरा मानना है वो शायद हमारे उन्हें दिन भर के लिए दिए गए कामों पर पूरा उतारना है। जी बेहतर है। आओ काम पर लग जाए। उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंटें इस पर लाद दी थी। कहाँ है वो? वो रफाए हाजत के लिए गया है। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। मेरे किसी आदमी को कोड़े से मारने की कोशिश न करना, समझे तुम? मूसा, तुम मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। ये मत समझो कि तुम इन गुलामों से ऊंचे हो। मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा।